कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन को बिजली का आविष्कारक माना जाता है, परंतु बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसके आविष्कारक ऋषि अगस्त्य थे, जिनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती है। उनके ग्रंथ अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मौजूद हैं। प्राचीन भारत के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक कणाद के बारे में कहा जाता है, उन्होंने जॉन डाल्टन के जन्म से सदियों पहले ही परमाणु थ्योरी एटॉमिक थ्योरी बना ली थी। उन्होंने एक परमाणु की तरह अणु या छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान बहुत ही पहले लगा दिया था। प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन के बारे में विनोद कुमार सरकार की पुस्तक हिंदू अचीवमेंट इन एग्जैक्ट साइंस में बताया गया है कि नागार्जुन ने पारे के गुणधर्म पर 12 वर्ष तक गहन शोध करने के बाद पारे से सोना बनने का सूत्र विकसित कर दिया था। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इसी कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। भारतीय सभ्यता हमारी विविधता का सौहार्द्र है। इस भूमि पर अनेक विचारों और परंपराओं ने एक विकासशील सह अस्तित्व रखा है। तर्क वितर्क के माध्यम से ज्ञान विज्ञान और दर्शन के प्रति जो प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दृष्टिकोण भारतीय विचारकों ने रखा है, वही भारतीय सभ्यता है। आज विश्व भर में तमाम विकसित और सभ्य देशों और संस्थानों में ऐसे ही सौहार्द्र और तार्किक विचार अपनाया जा रहा है। आज भारतीय सभ्यता के पुराने होने पर ही नहीं, उसके मूल स्वरूप के आधार और तर्क दर्शन शास्त्रार्थ प्रगति प्रयोग सह अस्तित्व सौहार्द्र जैसे आधुनिक मानवीय मूल्य पर हमें गर्व करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।